विशेष बच्चों के लिए लगेगा निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सीय शिविर। पांचवे स्थापना दिवस पर रे ऑफ होप लगाएगा होम्योपैथिक महाशिविर। रे ऑफ होप होम्योपैथिक वेलफेयर सोसाइटी ने किया शिविर के पोस्टर का विमोचन। रे ऑफ होप होम्योपैथिक वेलफेयर सोसाइटी अपने स्थापना के 5 वर्ष पूर्ण होने पर रविवार को मेगा मेडिकल कैंप लगाने जा रही है। इससे पूर्व सोसाइटी से जुड़े चिकित्सकों ने कैलाशपुरी स्थित होटल भावना क्लार्किन में महाशिविर के पोस्टर का विमोचन कर जारी किया। अध्यक्ष डॉक्टर एसएस मितवार ने बताया कि सोसाइटी वर्ष 2018 से लगातार भाविप सर्वोदय शाखा के साथ मिलकर हर 3 माह के दूसरे रविवार को मानसिक रूप से विकसित हुआ। आज हम लोगों ने हमारी संस्था भारत विकास परिषद सर्वोदय और रियो होम्योपैथी को 5 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। इसी के तत्वावधान में आज लोगों ने महाशिविर का आयोजन किया है, जिसमें हमारा आज का लगभग टारगेट 500 बच्चों का कंप्लीट करने का है शाम तक, जिसमें अभी लगभग हमारे 150 से 200 बच्चों का रजिस्ट्रेशन और देख रेख लगभग हो चुकी है। परिषद सर्वोदय एवं रे ऑफ होप की ओर से आज यहाँ गणेशराम नागर विद्यालय में होम्योपैथिक शिविर लगाया गया है, जिसमें कि आनुवंशिक रोग जो जन्मजात रोग खासतौर से बच्चों में होते हैं, जैसे कि दिमागी कमजोरी, बोलने में कमजोरी, चलने फिरने में कमजोरी, उसका यहाँ विशेषज्ञ तौर पर इलाज डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। और ये शिविर जो है पिछले लगभग 4 सालों से लग रहा है, कोरोना काल में थोड़ा सा विघ्न आया था, लेकिन फिर भी पिछले 1 साल से अनवरत रूप से चल रहा है। बच्चे कैंप में देखे जा रहे हैं, लगभग मैं समझता हूँ शाम तक 200 बच्चे आज देख लिए जाएंगे। लगभग 150 की भीड़ हो चुकी है और 100 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। डॉक्टर ये आगरा के ही हैं,